हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नीमा स्कॉनर और मैं हूँ नीमा आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली कुछ सिंपल सी टिप्स अगर आपकी ऑयली स्किन है तो कैसे आप अपना स्किन केयर कर सकते हो सबसे पहली बात भाई चाट पकोड़े गोलगप्पे टिक्की खाना बंद कर दो गर्मियों में स्पेशली क्योंकि इससे ना बहुत जल्दी पिंपल्स आ जाते हैं मुझे तो आ जाते हैं भाई पता नहीं आपका क्या है मेरी तो जबकि नॉर्मल स्किन है ऑयली स्किन वालों को तो जब भी वो ज़रा से भी कोई ऑयली चीज़ खा लेते हैं ना इतने मस्त वाले पिम्पल्स आ जाते हैं कि पूछो ही मत और एक आता है तो उसके दो चार भाई बहन और आ जाते हैं तो ऑयली स्किन वाले तो स्पेशली इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि ऑयली फूड से थोड़ा सा दूर रहें खिचड़ी दलिया खाओ घर का खाना खाओ रोटी सब्जी भी खा सकते हो बट हाँ घर की बनी हुई बाहर का जितना जंक खाओगे उतने ज़्यादा पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम होगी फिर मत बोलना भाई कि हम तो इतना महंगा सिरम लगाते हैं फिर भी हमको पिम्पल्स हो गए खाते क्या हो ये भी तो डिपेंड करता है ना सिर्फ सिरम सिरम से ही नहीं कोई चमक जाता खाने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है तो अपना लाइफ चेंज ज़रूर कीजिए और और अटरम सटरम जंक खाना थोड़ा सा कम कीजिए दूसरी बात इस बात का ध्यान हमेशा रखिए कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप प्रोडक्ट्स को उसी हिसाब से चूज करो अब कोई भी ये बोल देता है आपको कि फलाना सिरम बहुत अच्छा है तो आपने लगा नहीं लेना है आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तेल से भरपूर स्किन है तो आपने वाटर बेस्ड सिरम को यूज़ करना है देखो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने अगर ऑयल बेस्ड सिरम लगा लिया तो ऑयल ऑयल मिलकर क्या बनाएंगे पकोड़ा <laughs> तो क्या बनेंगे आपके पिंपल्स और एक्ने तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है जो हो बिल्कुल ऑयल फ्री वाटर बेस्ड के सिरम्स आपने यूज़ करने हैं ऐसे आपने फेस वॉश यूज करना है जो ऑयल फ्री हो और आपकी स्किन से ऑयल को रिमूव कर दे बहुत ही अच्छे से अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने एक इंग्रेडिएंट से बहुत प्यार करना है वो है सैलिसिलिक एसिड ये आपकी ऑयली स्किन को बहुत अच्छा बना सकता है आपके पिंपल्स और एक्ने से आपको छुटकारा दिला सकता है तो ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए जिसमें हो सैलिसिलिक एसिड एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो है ऑयल फ्री जी हाँ मैं आपसे बात करने वाली हूँ मामा अर्थ के ऑयल फ्री फेस वॉश और ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर के लिए तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इन दोनों को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यह है ममा अर्थ का ऑयल फ्री फेस वॉश विद ए सी वी एप्पल साइडर विनेगर है इसमें और है सैलिसिलिक एसिड तो यह आपकी ऑयली स्किन से एक्सेस ऑयल जो है ना वो सब रिमूव कर देगा और ये स्पेशली बना है पिंपल और एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो अगर आपको एक्सट्रीम लेवल पे एक्ने होता रहता है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो इस तरीके की ट्यूब पैकेजिंग में आता है तो यूज करना बेहद आसान है स और एस एल एस इसमें बिल्कुल नहीं है डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है हंड्रेड एम एल की आपको इसकी क्वॉंटिटी मिल जाती है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो रिड्यूस करता है ये एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है डर्ट को और आपको देता है हेल्दी ग्लोई स्किन फेस वॉश तो हमने कर लिया है उसके बाद मॉइस्चराइजर भी तो लगाना है ये सोचना कि भाई मेरी ऑयली स्किन है मॉइस्चराइजर लगूंगी तो और ऑयली हो जाएगी ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है आपने मॉइस्चराइजर ऐसा चूज करना है जो कि हो ऑयल फ्री ताकि आप आपकी स्किन बिल्कुल भी ऑयली ना हो आप ट्राई कर सकते हो ममा अर्थ ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र विद ए सी वी इसमें है एप्पल साइडर विनेगर जो कि बना है स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही लाइट वेट है ये बिल्कुल भी ग्रीसी आपकी स्किन को नहीं करता है और बहुत ही सही मुझे लगता है क्योंकि गर्मियों में ना यार नॉर्मल स्किन वालों के भी ऑयली स्किन हो जाती है मैं अगर मेरी बात करूँ मेरा ये जो एरिया ना टी जोन जो है मेरा ये ऑयली रहता है बाकी पूरा फेस नॉर्मल रहता है मतलब तो मुझे तो स्पेशली इस एरिया पे तो ऐसा मॉइस्चराइज़र चाहिए जो मेरी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली ना करे तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो चलो फिर मैं आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ और अप्लाई करके भी दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि कितना मस्त बिल्कुल भी ग्रीसी आपकी स्किन को नहीं करता है तो चलो फिर आप प्रोडक्ट को देखते हैं थोड़ा सा नज़दीक से यह है ममा अर्थ ऑयल फ्री फेस वॉश विद एप्पल साइडर विनेगर एंड सेलिसलिक एसिड स्पेशली बना है ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम होती है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो इसमें किसी भी तरीके के पैराबिस और एसएलएस नहीं है डरमाटोलॉजिकली टेस्टेड है सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है ये हंड्रेड एम की क्वान्टिटी आपको इसकी मिल जाती है ये फेस वॉश रिड्यूस करता है रिमूव करता है एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है डर्ट को और आपको हेल्दी स्किन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है आपके स्किन के पीएच लेवल को तो ये बैलेंस करता ही है इसमें किसी भी तरीके के हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं मामा अर्थ है एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड मतलब जितना ये प्लास्टिक यूज़ करता है उसे कहीं ज़्यादा रिसाइकिल करते हैं क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है और वेगन ब्रांड है एमआरपी की अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट की एमआरपी है टू फोर्टी नाइन रुपीज़ बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप स्क्रीन पर दिया गया मेरा कूपन कोड अप्लाई करके ट्वेंटी परसेंट का ऑफ पा सकते हो मामा अर्थ की वेबसाइट पर यह प्रोडक्ट अवेलेबल है मामा अर्थ पे एमेज़ॉन पे नाइका पे और पर्पल पे बट मेरा कूपन कोड सिर्फ अप्लाई होगा मामा अर्थ पे अगर मैं मॉइस्चराइज़र की बात करूँ तो ये है अर्थ ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र ये भी एक्ने प्रोन स्किन के लिए बना हुआ है विथ एप्पल साइडर विनेगर है ये इसमें भी पैराबिन्स और सिलिकंस नहीं है बहुत ही लाइट वेट और नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है इसका एटी ग्राम्स की आपको क्वान्टिटी मिल जाती है प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है ममााअर्थ जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ट्वेल्टी फ्री है वेगन है इसके एम की अगर मैं बात करूँ तो टू आपको इसका एम मिलता है आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो स्क्रीन पर दिया गया बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है अगर आपको पिम्पल्स की प्रॉब्लम होती है तो ये आपको उससे छुटकारा दिला सकता है हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मैंने स्क्रीन पर अपना कूपन कोड दे दिया है उसे जैसे ही आप मामा अर्थ की वेबसाइट पर अप्लाई करते हो ना तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट का ऑफ वो आपको तभी मिलेगा जब आप वो कूपन कोड मामा अर्थ की वेबसाइट पर अप्लाई करोगे तो चलिए अब इसे यूज़ करके भी मैं आपको दिखाती हूँ मुझे इसका जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है टेक्सचर बहुत ही अच्छी सी कामिंग फ्रेग्रेंस है इसमें एप्पल की बिल्कुल आपको ना जो एप्पल साइडर विनेगर की खुशबू होती है ना वही वाली फील आने वाली है बहुत ही प्यारी सी खुशबू है इसकी और बहुत ही अच्छे से ना इसने रिमूव कर दिया मेरे फेस के एक्सेस ऑयल को कई फेस वॉश ऐसे होते हैं जो आपके नेचुरल ऑयल को बिल्कुल निकाल देते हैं जिससे कि आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है इसके साथ आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है ये पूरे फेस को ड्राई नहीं करता है तो अगर आपकी नॉर्मल स्किन भी है ना तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हो ये सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है और फेस वॉश करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र विद एप्पल साइडर विनेगर ये बिल्कुल भी क्रीसी नहीं है बहुत ही लाइट वेट इसका टेक्सचर है अगर आपकी नॉर्मल स्किन भी है ना तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो मेरी तो नॉर्मल स्किन है बट मेरा जो ये टी जोन होता है ना नोज़ वाला एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है तो मेरे को चाहिए ऐसा प्रोडक्ट स्पेशली मेरे नोज़ एरिया पे और फॉरहेड पे जो मेरे फेस के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल कर सके तो इसे आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये ऑयल फ्री है ये आपके स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और हाइड्रेट भी रखेगा आपकी स्किन को घंटों तक तो दोनों ही प्रोडक्ट के लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हो लास्ट टिप की अगर मैं बात करूं तो एक चीज जो आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आप ट्राई कर सकते हो वो है आइस जी हाँ ठंडे ठंडे पानी से जब आप मूध धोते हो ना या फिर आप अपने फेस पर आइस रब करते हो वैसे आइस रब तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप करो क्योंकि उससे ना समटाइम्स कई लोगों को रेडनेस भी हो जाती है तो मैं आपको बोलूँगी आइस को अवॉइड करो हाँ ठंडे पानी से फ्रिज के ठंडे पानी से आप जब अपना मूध धोते हो ना उससे क्या होता है उससे आपका जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव भी हो जाता है और जो आपके पोर्स हैं ना जिनसे एक्सेस ऑयल निकल रहा है वो भी थोड़े देर के लिए आराम करने लग जाते हैं तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो मैं तो अगर मेरी बात करूँ मैं तो यार मस्त एक मेरे पास है मास्क उसे लगाती हूँ फ्रिज में से निकाल के और मज़ा ही आ जाता है मैं अपने टोनर्स को भी फ्रिज में रख देती हूँ ताकि जब मैं उन्हें स्प्रे करूँ ना तो मस्त मज़ेदार स्किन हो जाए ठंडी ठंडी तो आप भी इस तरीके की टिप्स को ट्राई कर सकते हो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओगे अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना यार मेरे फॉलोअर्स बड़े कम हैं इंस्टाग्राम पर सही हुए तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम हैंडल लिख रही हूँ नीमा शर्मा फिफ्टीन जाइए प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा बड़े ही कम फॉलोअर्स है बारह हज़ार फॉलोर्स है यहाँ पर मैं आठ लाख सब्सक्राइबर लेके बैठी हूँ दूसरे चैनल पर नौ लाख सब्सक्राइबर लेके बैठी हूँ और इंस्टाग्राम पर सिर्फ बारह हज़ार फॉलोर बड़ी नान साफी है तो जाके मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय